लिंक टू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू कवर एक्सपेक्ट क्या होता है, एक्सेप्ट, EXCEPT। तो एक्सेप्ट के बारे में थोड़ा पहले जान लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि किस तरह से कैसे करना है। एक्सेप्ट, मेरे पास दो डेटा सोर्स होगा, मान लीजिए दो डेटा सोर्स होगा, एक और दूसरा, मुझे वो रिजल्ट मिलेगा जो सेकंड वाले में रिजल्ट नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना? दोनों में अगर मैं इसको यहाँ पे आपको कमेंट आउट करके दिखाऊं, एक्सेप्ट मेथड्स रिक्वायर्स डेटा सोर्स और कलेक्शंस बोल सकते हो। हम डेटा इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो कलेक्शंस थोड़ा दिमाग में आता है। इट रिटर्न्स अ न्यू कलेक्शन विथ एलिमेंट्स फ्रॉम फर्स्ट कलेक्शन दैट आर नॉट प्रेजेंट। सिंपल है, मेरे पास दो डेटा सोर्स है, मैं चेक करेगा फर्स्ट और सेकंड में, दोनों कंपेरिजन करेगा और देखेगा अगर फर्स्ट कलेक्शन में वो डेटा देगा फर्स्ट कलेक्शन से जो सेकंड में नहीं है। ठीक है, फर्स्ट में वो डेटा देगा जो सेकंड में नहीं है, फटाफट कुछ काम कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे सिंपल सा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लेट मी क्रिएट अ लिस्ट, आई लिस्ट लिस्ट कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ। मैं लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ ऑफ स्ट्रिंग टाइप एंड लेट मी गिव यू एक एमबी नंबर, लिस्ट क्रिएट कर दिया। इसलिए इस पे वाले कोड इधर पे वाली चीज कंटिन्यू करनी पड़ेगी हम लोगों को ताकि सब कुछ रिवाइज हो जाए। ये मतलब जो जान रहा हूँ शीशा इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में, शीशा यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गाइस यूज हो रहा है, अभी बहुत सारे फ्रेमवर्क आ गए हैं तो गाइस यार कहीं शीशा यूज हो रहा है कहीं कुछ और यूज हो रहा है, वो लुक देते हैं। बोला है यहाँ पे देखो क्या बोला है, इट रिटर्न्स अ न्यू कलेक्शन विद एलिमेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट कलेक्शन दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द सेकंड कलेक्शन। इसका मतलब समझो, दिया इसका मतलब है कि सेकंड कलेक्शन में कुछ ऐसे डालना है जो फर्स्ट कलेक्शन में नहीं है, फर्स्ट कलेक्शन में जैसे कुछ डालना है जो सेकंड कलेक्शन में नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने। ठीक है, स्ट्रिंग सीपी कर देता हूँ, न्यू लिस्ट। अब लिंक लिस्ट क्या होता है सब कुछ यार, मैं देखो क्या मैं लिंक लिस्ट शीशा से पढ़ सकता हूँ, पढ़ने का पढ़ सकता हूँ, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू, बहुत सारे कंपनी सपोर्ट नहीं करता। पता चला आप इंटरव्यू देने का उसमें सपोर्ट ही नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है, थोड़ा कुछ और करते हैं। ये क्यों दिखा रहा है, लोड कर रहा था। ठीक है, तो मेरे को एमबी और सीपी मैंने बना दिया यहाँ पे ये दो चीजें। ठीक है, हाँ तो अब मुझे क्या करना है, मुझे दो सिंटैक्स होते हैं, या तो मेथड सिंटैक्स इस्तेमाल करो या तो क्वेरी सिंटैक्स इस्तेमाल करो। तो मेथड सिंटैक्स कर देते हैं, वार ms equal to mb dot accept for each var ramu in ms console dot write line ramu, let me print this and see kya data aa raha hai mere ko, run kar raha hu main yahan pe kyunki yahan pe bhi white white aa raha hai, sahi nahi ho raha yaar, ye kya dikkat hai yaar। okay run ho raha, theek hai to kya data aayega dikha dekhte hain kya data aayega aapko yahan pe। to main upar kaise karunga yaar, isko hata nahi sakta kya is wale ko, to collapse kar diya maine। theek hai to maine yahan pe isko run kar diya, रन होगा यार, मैंने कॉपी पेस्ट किया तो दिक्कत हो रही थी। सॉर्ट ऑफ वैलिड यार, ये मेन डॉट सीएसवी कट रहा है तो इसको मैं सबको यार यहाँ पे वो कर देता हूँ, रन करते हैं यार। विजुअल स्टूडियो ही इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये बहुत ही स्लो चल रहा है डेवलपमेंट के लिए, बहुत सही डेवलपमेंट के लिए। अगर आप फोन में डेवलपमेंट कर रहे हैं तो यार रेपलेट कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन, बट ओनली थिंग इज यार विंडोज में रिकमेंडेबल विजुअल स्टूडियो ही है। 102 आ गया, देखो यार मैंने क्या बोला है, एक्चुअल मेथड रिकॉर्ड टू डेटा सोर्स और कलेक्शन, रिटर्न्स अ न्यू कलेक्शन विद द एलिमेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट कलेक्शन दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द सेकंड कलेक्शन। फर्स्ट कलेक्शन 1 2 3 4 है, ठीक है, सेकंड वाले में 3 4 5 है। ठीक है, फर्स्ट कलेक्शन में दोनों में मैच रहेगा, फर्स्ट कलेक्शन में क्या मैच कर रहा है, सेकंड 3 और 4 में दोनों में, फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट में है बट सेकंड वाले में नहीं है, तो फर्स्ट 2 आ गया, तीसरे दूसरे वाले में 5, फर्क नहीं पड़ता दूसरे वाले में कुछ नया आया है ना आया, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले मैंने डेटा सोर्स 1 लिखा है, डेटा सोर्स 1 से जो नहीं होगा सेकंड में वही आएगा, फिफ्थ में नया आया, सेकंड वाले में नया आया, फर्क नहीं पड़ता उसको एक्सक्लूड कर देगा। ये तो हो गया मेथड सिंटैक्स, अब समझ गया ना, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है देखो, अब मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है, टीवी स्टार्स एमबी डॉट सी एस फाइल बनाऊंगा। मन चूस ले ये क्या एरर, फालतू का एग्जाम्पल मैंने देखेंगे। क्या करते हैं, तो क्लास क्रिएट करने के लिए करना पड़ता है, मुझे क्रिएट करना पड़ता है पब्लिक क्लास। पब्लिक मॉडिफाइड क्या है, प्राइवेट क्या है, प्रोटेक्टेड क्या है, सब ऑलरेडी कवर किया है एक वीडियो में, तो वो चेकआउट करते हैं। पब्लिक क्लास मैंने क्या किया, टीवी स्टार्स एमबी नाम का एक मैंने क्लास क्रिएट कर दिया। पब्लिक इंट किया, आईडी गेट सेट किया मैंने पब्लिक। दूसरा मेरे पास एक और चीज किया मैंने, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, लेट मी डू द गेट सेट एज वेल। इसके बाद एक और करोगे पब्लिक स्ट्रिंग भाई कौन से सिटी में बिलोंग करती है ये जो भी है मतलब एक्टर या फिर एक्ट्रेस, मैंने यहाँ पे टीवी स्टार्स एमबी डॉट सीएसवी कर दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करूँ यूजिंग, अभी देखेंगे अभी करेंगे जब यहाँ पे वो ले लेगा, ये तो मैंने डाला है भाई ये सब से। अगर मैं यूजिंग करूँ, यूजिंग स्टेटमेंट में आना चाहिए ना ये अलग फाइल्स का नाम। कोई मैं क्या करता हूँ, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करता हूँ उसमें करेंगे यार, रहने देते हैं भाई यहाँ पे ही कर लेते हैं, फाइल में कर देते हैं, मैं इसको कर देता हूँ। तो यहाँ पे आगे डेटा
है, अगर फाइल से आ नहीं रहा है तो मैं इस वाले फाइल को डिलीट कर देता हूँ। आई डोंट नो यार, ये कुछ गड़बड़ है यार, फूल ले नहीं पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेम स्पेस भी लेकर नहीं पा रहा है, ऐसे ही लेते हैं मेरे ख्याल से। जनरली यार ये जो मेन फाइल होती है ना यहाँ पे, इसका डॉट करते हैं, तो इसका डॉट आई डोंट नो किस तरह से होगा। यहाँ पे मेन बताया नहीं इसने कौन क्या नाम को बना हुआ फोल्डर। जैसे कुछ मैंने डाल दिया, जैसे मैंने आईडी वन कर दिया मैंने पहला वाला, दूसरा नेम कर दिया मैंने सुमित, तीसरा मुझे सिटी भी करनी है तो सिटी को क्या कर दूंगा मैं, दिल्ली कर देता हूँ, कॉमा करके न्यू टीवी स्टार से एमबी कर देंगे। आईडी टू आएगी, नेम कर देते हैं मी, सिटी कर देते हैं शाबाद, न्यू करते हैं टीवी स्टार से एमबी, तीसरा एक रख देते हैं आईडी इक्वल टू 3, नेम इक्वल टू सीपी, सिटी कर देते हैं कुछ याद नहीं आ रहा, दिल्ली कर देते हैं, और इसको मैं T1 कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इतना देता हूँ, मैं ये रखता हूँ। ये मुझे एरर क्यों दिखा रहा है? अच्छा, मैं अगर इसको क्रॉस कर दूँ, इसको बाहर बनाना पड़ेगा मुझे, इस क्लास को पब्लिक क्लास मैंने वहां पे बनाया था, उसको मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ, बट वो इंपोर्ट हो नहीं रहा है यहाँ पे, कुछ ऐसे दिक्कत है, फिर मैं भूल गया हूँ। किस तरह से करते हैं, अगर बात करूँ थ्रेड स्टेटमेंट वार MS इक्वल टू, किस तरह से करते हैं, पहला डेटा सोर्स होगा हमारा टीवी डॉट एक्सेप्ट TV1 डॉट टू लिस्ट, MS ऑलरेडी है, MS1 कर देता हूँ मैं, और इतने वाले को ना मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर रहा हूँ। आपको कोड तो मिल ही जाएगा, ये रिप्लेट दिख ही रहा होगा ऊपर। ठीक है, ये यार यूजर नेम भी अलग बना दिया यार इसने, बहुत ही भाई अपने हिसाब से यूजर नेम का ऑप्शन होना चाहिए चूज करने का यार। हाँ, देखते इसमें क्या आंसर आ रहा है मेरा, सीरियसली स्टॉप करता हूँ रामू में। ठीक है, अगर रामू डॉट मैंने नेम किया प्लस रामू डॉट आईडी किया प्लस रामू डॉट सिटी किया, लेट मी रन दिस एंड देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। सुमित मीत सीपी, पर अपने पास तो सीपी ऑलरेडी था ना दूसरे वाले में, फिर सीपी क्यों आ रहा है, समझ सकते हो सीपी क्यों आ रहा है, कोई रीजन है? डायरेक्टली ऐसा काम नहीं करता, या तो मैं एक जुगाड़ करूं, जुगाड़ मेरे को सिर्फ सेलेक्ट करना है नेम पे मी, तो कैसे करना है? ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, इतने को फिर से मैं कमेंट आउट करता हूँ, लेट मी कमेंट आउट दिस वन, लेट मी शो यू वन मोर थिंग। मैं वन करेंगे पी डॉट मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, मैं सिर्फ एक्स डॉट नेम करता हूँ डॉट एक्सेप्ट TV1 डॉट सेलेक्ट सेंड्स टू एक्स डॉट नेम डॉट टू लिस्ट। ठीक है, बाकी मैं इसको कॉपी करता हूँ, डायरेक्टली मैं ऐसे कर नहीं सकता, मैं यहाँ पे सिर्फ रामू करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अब तो सिर्फ एक ही आ गया ना, नेम ही आएगा यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं मेरा क्या है ना, मैं एक बाउंडेड हो गया यार, मैं तो यहाँ पर नेम ही दिखाना चाहता हूँ, बट मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा था कि मैं सब कुछ दिखाना चाहता हूँ, नेम आईडी सिटी तीनों दिखाना चाहता हूँ, तो आई कैन गो विद टू वे anonymous, वो मैंने ऑलरेडी कवर किया है ASP.NET Core, सॉरी ASP.NET Framework .NET ASP.NET MVC .NET Framework वाली सीरीज में ऑलरेडी मैंने कवर की है। वो e-commerce वाली सीरीज इस तरह से Flipkart हो गया, Amazon हो गया, उस तरह की वेबसाइट किस तरह से बनाते हैं वो मैंने बताया। बाय द वे हम लोग बाकी सीरीज भी कवर करते हैं, Angular, React, because these are the trend, seriously. ASP.NET MVC is not more a trend, वो regular web application होता है, वो recommended नहीं होता आजकल, ये सिंगल पेज का जमाना है। ठीक है, इसलिए हम लोग सिंगल पेज ही बना रहे हैं, उसने मैंने बताया था। ठीक है, अब ये क्या हो गया ना, यहाँ पे बाउंडेड हो गया, अब उसको कैसे करते हैं बताते हैं यार तुमको, ताकि बाय द वे आंसर सेम आया, सही आया अभी आपका। ठीक है, नेम ही प्रिंट कर रहे हैं तो आंसर सही आ रहा है। अब बताते हैं एनोनिमस मेथड, ठीक है, एनोनिमस कैसे करते हैं, वार MS1 करते हैं। लैपटॉप गर्म क्यों हो रहा है इतना भैया, कूलिंग पैड चल नहीं रहा तो कैसे गर्म हुआ, कूलिंग पैड नहीं चल रहा है यार, गर्मी देखो गर्मी, अब चल रहा है कूलिंग पैड। टीवी डॉट करेंगे मैं, सारे चीजों को सेलेक्ट करूंगा, किस तरह से करना है, एक्स डॉट यहाँ पे करके न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या डालूंगा, एक्स डॉट मेरे पास क्या पड़ा हुआ है आई डी कॉमा एक्स डॉट नेम कॉमा एक्स डॉट सिटी, ये मैंने कर लिया, इतना कर लिया। इसके बाद डॉट में एक्सेप्ट कमांड का इस्तेमाल करूंगा, ब्रैकेट डालूंगा, T1 डॉट सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे एक्सटेंड्स टू करके न्यू करेंगे, न्यू कीवर्ड में यहाँ पे सब डाल दूंगा, जैसे एक्स डॉट आई डी है, सॉरी आई डी है, एक्स डॉट नेम है, सेंसिटिव है देखना, स्मॉल में या फिर कहीं और लिख देना, ना लिख देना, इतना हो गया। डॉट टूलिस्ट कर रहा हूँ, मतलब जरूरत नहीं है टूलिस्ट की, बाकी फॉरिश का इस्तेमाल करूंगा तो टूलिस्ट में ऑलरेडी हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ती। बट आपको अगर बेट पॉइंट डाले आप कर रहे तो उस टाइम में आपको दिखाने के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इतना हो गया। ठीक है, अब मैं प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने क्या करूंगा मैं, अगर ऊपर से आऊँ मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ये वो वाला सही रहेगा, क्या सही रहेगा, आई फील ये सही रहेगा, एरर आना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। अब देखते हैं, मैं एंटर मारता हूँ। ठीक है, अब देखना क्या रिजल्ट आना चाहिए। तो एनोनिमस मेथड भी क्रिएट कर सकता हूँ मैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं कंपेयरर क्रिएट करूँ। जो लोग दिमाग वाले होते हैं मीत को फॉलो करते हैं, या फिर दिमाग वाले होते हैं, ठीक है,
वो लोग ये फॉलो करते हैं एनोनिमस मेथड। आपको वो चीज नहीं करनी है, कंपेरर बना रहे हैं 10-15-15-20 लाइन का कोड, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बनाओ, ये एनोनिमस ज्यादा सही है, ठीक है। सुमित और ये दिल्ली वाला, ये देखो और मीत, ठीक है, ये दो चीजें। सीपी मैच कर रहा था ना, तो सीपी नहीं दिखाया, जो मैच नहीं करता वो दिखाता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एनोनिमस मेथड का क्रिएट कर दिया, ठीक है, ये चीज है, ये मैंने क्रिएट कर दिया, अब इससे हो जाएगा। अब पछता एक और चीज है, ठीक है, कंपेरर वाला, वो दिखा देते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा यूज करना, बट मैं कंपेरर दिखा देता हूँ आपको। तो कंपेरर क्रिएट कर लेते हैं फटाक से। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये टीवीएमबी तो पड़ा हुआ है, जो भी पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके नीचे जाते हैं। कंपेरर किस तरह से क्रिएट करते हैं, ऑलरेडी मैंने बता के रखा है पिछले वाले वीडियोस में, अगर वो नहीं चेकआउट किया तो वो चेकआउट कर सकते हो। टीवी स्टार से एमबी कंपेरर करते हैं, ठीक है, कोई भी नाम रखोगा, नाम से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आई क्वालिटी करेंगे कंपेरर, और इसके बाद मैं डालूंगा यहाँ पे टीवी स्टार क्लास का नाम, हमारा टीवी स्टार से ये मेरा क्लास क्रिएट हो गया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, पब्लिक बूल डालूंगा एक, इक्वल्स क्लास का नाम डालो वाई, दो चीज डाल दी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स डॉट आई डी इक्वल टू वाई डॉट आई डी अगर है, एंड एक्स डॉट नेम, नेम वो है, टूल ओवर करना पड़ेगा, ठीक है, टूल ओवर करना पड़ेगा मुझे, सेंसिटिव है, अपर भी कर सकते हो, टू अपर भी कर सकते हो। वाई डॉट नेम डॉट टूल ओवर अगर इतना है, मैं क्या करूंगा, रिटर्न मैच कर रहा है, वरना मैं रिटर्न फॉल्स कर देता हूँ। पब्लिक इंट गेट हैश कोड टीवी स्टार एमबी ओबीजे रिटर्न ओबीजे डॉट आई डी डॉट गेट हैश कोड, इतने को कॉपी कर लेता हूँ मैं, इतने को कॉपी कर लेता हूँ, और बाकी को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे। कंपेयर वार एम एस वन इक्वल टू टीवी डॉट एक्सेप्ट टीवी वन कॉमा न्यू टीवी स्टार एमबी कंपेयर डाल दिया, ये सब हो गया। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, मेरा आउटपुट सेम आना चाहिए जो कि मेरा पिछले वाला आउटपुट था। बाकी वीडियो का एंड करते हैं, सिंपल सा अगर ओवरव्यू दे दूं मैं क्या था ये वाइंड अप करने से पहले। मेरे पास दो डेटा सोर्स है, मुझे चेक करना है जो पैरा डेटा सोर्स में कुछ ऐसा नया तो नहीं है जो दूसरे वाले में नहीं है, वही देना है मुझे। मीत सुमित और मीत आ गया, चलो ठीक है, वीडियो का एंड करते हैं। हाँ, वीडियो अच्छा लगा एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ये हो गया हमारा किस तरह से हम कंपेरर भी क्रिएट कर सकते हैं। क्या मुझे क्वेरी सिंटैक्स दिखानी है, आपको दिखा देते हैं, क्वेरी सिंटैक्स भी दिखा। वार क्वेस इक्वल टू फ्रॉम फ्रॉम टीवीएस इन टीवी सेलेक्ट टीवीएस डॉट एक्सेप्ट टीवी वन न्यू टीवी स्टार एमबी कंपेरर डॉट टू लिस्ट। फ्रॉम एक वेरिएबल बनाया टीवी स्टार टीवीएस डॉट टीवी, हमारा पहला डेटा सोर्स का नाम है, सेलेक्ट टीवीएस को टीवीएस करेंगे, कोई भी नाम जैसे एक्सपी लिख सकते हो। डॉट एक्सेप्ट किया सेकंड डेटा सोर्स का नाम, कॉमा न्यू टीवी स्टार एमबी कंपेरर जो था वो लिख दिया, डॉट टू लिस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। इतना करने के बाद मैं तो क्यू एस पास कर दूं अगर मैं यहाँ पे, और रन कर दूं रेप्लिट में मजा आ रहा है, बट विजुअल स्टूडियो के बाद ही अलग है, विजुअल स्टूडियो उसके बाद ही अलग है। रन करते हैं, क्या मैं वेब एप्लीकेशन सिस्टम बना सकता हूँ, डिफिकल्ट होगा। बाकी आंसर आ गया, तो मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है कर लेना, वरना मधुरी के मिलता हूँ। अब मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day.